कल रात आया मेरे घर एक चोर। मैं शायद इतना अच्छे से नहीं गा पाऊं जितना अच्छे से इस गाने को गाया गया है, लेकिन आजकल हर तरफ हर किसी की जबान पर यही गाना है। और ये चोर क्या क्या बोला, तो ये आप सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब सुन रहे होंगे, क्योंकि फेसबुक से लेकर इंस्टाग्राम तक हर रील और स्टोरीज में आपको यही गाना सुनाई देगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि आपको बता पाऊँ कि ये चोर आखिर आया कहाँ से है, इस चोर को लाया कौन है। कल और के बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है, मैंने तो बोला चोर वाला ये जो गाना है जो पॉपुलर हो रहा है इन दिनों खूब ज्यादा, ये गाना गाया है सिंगर जुस्त ने। जी हाँ, उनका नाम है जुस्त, और वो खुद कहते हैं कि इस नाम का कोई मतलब नहीं है, ये नाम मैंने खुद के लिए चुना है। और इसका मतलब वो लव और एनर्जी बताते हैं। आजकल उनके कई इंटरव्यूज भी आ रहे हैं जब से ये गाना पॉपुलर हुआ है। तो एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि मेरा नाम मैंने खुद रखा है, मेरी मम्मा भी मुझे इसी नाम से बुलाती है, और वो पुराना नाम क्या था मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। तो अब उनका नाम है जुस्त, जुस्त ने लिखा है चोर वाला ये गाना जो हो रहा है बहुत पॉपुलर। तो ये गाना दिसंबर 2023 में जुस्त के यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज किया गया था, और देखते ही देखते अब बहुत ज्यादा वायरल हो गया है। हर रील से लेकर जुबान तक यही गाना है, और यूट्यूब पर उनके अपने यूट्यूब चैनल पर इस गाने को अब तक 5.8 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। बहुत जल्दी ये रिकॉर्ड भी बनने वाला है, मुझे लगता है 10 मिलियन पार करने वाला है जिस तरह से गाना पॉपुलर हो रहा है। और स्पॉटिफाई पर ये गाना टॉप 50 वायरल सॉन्ग की लिस्ट में, और वर्ल्ड वाइड तो ये वायरल सॉन्ग नंबर 1 बन रहा है धीरे धीरे, और मतलब बन ही चुका है ऐसा लगता है। तो खुद जुस्त ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने बस ये गाना यूट्यूब पर रिलीज किया, इसके पीछे कोई लेबल नहीं था, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं था, कोई बैनर नहीं था, कोई मार्केटिंग नहीं थी, सिर्फ लोगों के प्यार ने, आप सबके प्यार ने, हम सबके प्यार ने इस गाने को इतना फेमस बना दिया है। और अगर थोड़ी सी पर्सनल लाइफ की बात करें तो जो सिंगर जुस्त हैं वो दिल से तो सिंगर है लेकिन पेशे से एक अकाउंटेंट है। हालांकि अब नौकरी छोड़ चुके हैं और अपनी जो पूरा टाइम है पूरा उन्होंने अपनी आर्ट को डेडिकेट कर दिया, वो गाने लिखते हैं और म्यूजिक बनाते हैं। चोर के अलावा भी उन्होंने कई गाने लिखे हैं जो उनके यूट्यूब चैनल पर आप सुन सकते हैं। उसका यूट्यूब चैनल का जो लिंक है यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और वैसे ईमानदारी से एक बात बताऊं तो मैं जुस्त के बारे में इतनी ज़्यादा बातें करना चाहती हूँ कि मेरा इस वीडियो को एंड करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और शायद आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अगर आपको पोइट्री और फिलोसफी पसंद है तो आप भी ज़रूर चेकआउट करिए जुस्त का इंस्टा हैंडल, क्योंकि वहाँ आपको उनकी तस्वीरें, उनके वीडियोस के अलावा उनकी वो खूबसूरत कविताएं भी लिखेंगी जो कविताएं चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को और करते हैं फिर मिलने की तैयारी। जिंदगी और अपने आसपास की चीजों से जुड़े ऐसे ही वीडियोस के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल भी जरूर देखते रहिए, इनटू द लाइफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।